द महाराष्ट्र राज्य क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ डिसेबल नागपुर और द इंडियन क्रिकेट फेडरेशन ऑफ डिसेबल लखनऊ इनके संयुक्त तत्वावधान में स्पर्धा 2018 का आयोजन 17 से 19 फरवरी के बीच बेजनबाग क्रिकेट मैदान पर आयोजित किया गया है। इसी सिलसिले में वर्धा रोड स्थित विवेकानंद स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन में एक पत्र परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर नागपुर के विधायक मिलिंद माने प्रमुख रूप से मौजूद थे। इस मौके पर विधायक मिलिंद माने ने नागपुर के जनता को इन दिव्यांग क्रिकेटरों का हौसला अफजाई करने के लिए बेजनबाग क्रिकेट मैदान पर बड़ी तादाद में पहुंचने की अपील की है। दी महाराष्ट्र राज्य क्रिकेट एसोसिएशन फॉर डिसेबल नागपुर एवं महाराष्ट्र राज्य क्रीडा परिषद महाराष्ट्र शासन और दी इंडियन क्रिकेट फेडरेशन फॉर डिसेबल लखनऊ इनके संयुक्त तत्वावधान में भारत वर्ष की 11वीं राष्ट्रीय पैरा दिव्यांग आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धा 2018 का आयोजन 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक नागपुर में किया गया है। नागपुर के 4 मैदान इसके लिए हमने आरक्षित किए हैं, जो एक मेकोसा बाग का नंबर 1, मेकोसा बाग नंबर 2, बेजन बाग एवं रेलवे मोतीबाग रेलवे का एक मैदान, ऐसे 4 मैदानों को हमने इसके लिए आरक्षित किया गया है। कम 3 दिन चलने वाली इस मैच के अंदर में 16 भारतवर्ष से टीमें आ रही है, जिसमें आंध्र प्रदेश है, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, साथ में उत्तर प्रदेश और विदर्भ के ऐसे 16 टीमें इसमें हिस्सा लेने वाली है। आश्चर्य की यह बात है कि ये जो दिव्यांग खिलाड़ी है क्रिकेट के अंदर में, जो एबल खिलाड़ी रहते हैं, ये डिसेबल्ड है, एबल खिलाड़ियों को भी यानी सोचने के लिए मजबूर करे, इतना अच्छा वे खेल खेलते हैं। और जैसे कि ये खिलाड़ी है तो ऐसा है कि जिसे दोनों भी हाथ नहीं है, फिर भी वो पैर से बॉलिंग करता है, पैर से बैटिंग भी करता है ऐसे। और एक खिलाड़ी ऐसा है कि उसका एक हाथ नहीं है, लेकिन एक हाथ से वो 130 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से गेंद फेंकता है। और ये खिलाड़ी जो है भारतीय टीम या अंतर्राष्ट्रीय कोई भी टीम आती है तो उनके प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस के लिए इस व्यक्ति का हमेशा सिलेक्शन होता है और मैदानों के अंदर में नेट प्रैक्टिस के अंदर में ये खिलाड़ी जाता है। पूरे देश में से ये सभी जो डिसेबल्ड लोग आएंगे तो इनका जो मैच देखने का सौभाग्य है नागपुर कर वासियों को मिल रहा है। एबल लोग तो क्रिकेट खेलते हैं, वो हम अच्छी तरह से देखते हैं, लेकिन डिसेबल्ड लोग जिनको व्यंग है उसके बावजूद भी वो अप्रतिम क्रिकेट खेलते हैं, इसका नमूना 10 साल के बाद में नागपुर शहर को दोबारा देखने को मिलेगा। ये राष्ट्रीय स्पर्धा है और राष्ट्रीय स्पर्धा का आयोजन जो है अच्छी तरह से इस नागपुर में हो चुका है। टीमें अपने अपने स्थानों से निकल चुकी है, मणिपुर की टीम निकल चुकी है और जम्मू कश्मीर की भी टीम जो है प्रवास के अंदर में है। सभी खिलाड़ियों की रहने की व्यवस्था आमदार निवास स्थान नागपुर में की गई है। सुबह का नाश्ता उन्हें आमदार निवास स्थान में दिया जाएगा, दोपहर का जो भोजन है उन्हें मैदानों पर दिया जाएगा और रात का जो भोजन है उन्हें फिर से आमदार निवास स्थान में दिया जाएगा। इस स्पर्धा को आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब, आदरणीय विनोद जी तावड़े साहब, आदरणीय राजकुमार जी बडोले, आदरणीय चंद्रशेखर जी बावनकुले, ये सभी लोग आएंगे। साथ ही में इस शहर की मेयर आदरणीय नंदाताई जिचकार एवं सभी MLA लोग, सभी पुलिस अधिकारी, कलेक्टर और आयुक्त महानगर पालिका, ये सभी लोग इस स्पर्धा के अंदर में वे अपने अतिथि करके वे आने वाले हैं। तो ये 3 दिन चलने वाली स्पर्धा विशेष
करके लोगों ने रियल रूप से मैदान में आकर देखना चाहिए। 15 ओवर की एक एक मैच रहेगी और लगभग एक मैदान के अंदर में एक दिन के अंदर में 3 मैचेस के खेल हो गए, ताकि 3 दिन के अंदर में पूरे 16 टीम खेल के नॉकआउट पद्धति से फिर हम उनका रिजल्ट लगाएंगे और आखिरी में जो टीम खेलेंगे उनको अच्छा पारितोषिक दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और ट्रॉफी भी उसके अंदर में हमने समाविष्ट की गई है। तो ऐसे ये खेल है, ये खेलों का नागपुर के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसके अंदर में हमारे जो आयोजक है इस खेल को आयोजित करने के अंदर में उनका बड़ा सहयोग जो लगा है वो आदरणीय उत्तम मिश्रा जी जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र राज्य क्रिकेट एसोसिएशन फॉर डिसेबल नागपुर के, संजय भोसकर साहब जो सचिव है महाराष्ट्र राज्य क्रिकेट एसोसिएशन फॉर डिसेबल नागपुर के, हमने केवल इनको हमारा आमदार निधि देने के कारण इससे हमने आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धा रखा है, अन्य आमदारों ने भी शहर के इस स्पोर्ट के लिए अपना निधि दिया है और ये अच्छे स्पर्धा जो है नागपुर वासियों को देखने के लिए मिलेंगी और लोगों ने इसका आनंद उठाना चाहिए और जो भी हमारे डिसेबल्ड भाई है उनको आपने वहाँ मैदान पे आके चेयर अप करना चाहिए, ऐसी मैं नागपुर वासी विदर्भ वासियों को नम्र विनंती करता हूँ। सर हमारा टूर्नामेंट 17, 18, 19 तारीख को उत्तर नागपुर के बेजनबाग मैदान में सुबह 9 बजे उसका उद्घाटन है, उसमें देश की 16 प्रतिष्ठित टीम आने वाली है, खासकर उसमें एक जम्मू कश्मीर का एक आमिर नाम का लड़का है, उसके दोनों हाथ आरा मशीन से कट गया लेकिन वो पर्सन आज भी पैर से बॉलिंग पैर से बैटिंग करता है। और एक सबसे अच्छी टीम बोले हमारी मणिपुर की आ रही है जो 3 दिन मणिपुर से नागपुर में आने को लगता है, तो ऐसी 16 स्टेट की टीम आने वाली है और सभी का आयोजन उत्तर नागपुर के मिकोसाबाग बेजनबाग और मोतीबाग ग्राउंड में किया जा रहा है और उसके प्रमुख मार्गदर्शक व हमारे प्रेरणा स्त्रोत्र डॉक्टर मिलिंद जी माने जो कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर नागपुर के आमदार हैं, उनको ये पूरा टूर्नामेंट का हम लोग श्रेय देना चाहते हैं। दिन रात हमारे साथ में रहकर इस टूर्नामेंट को कैसा सक्सेस किया जाए महाराष्ट्र में, ये उनका अथक प्रयास वो अपने स्तर पर कर रहे हैं। क्या नागपुर की जनता से करना चाहिए? मैं नागपुर की जनता खासकर उत्तर नागपुर की जनता से नम्र विनती करना चाहूँगा कि आप लोग एबल लोगों का मैच देखते हैं उसी तरह हम लोग डिसेबल्ड लोग का मैच देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहे। मेरे महाराष्ट्र के 6 लड़के अभी साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच हुआ था वहाँ गए थे, डरबन में गए थे, बाद में पाकिस्तान गए थे, बांग्लादेश गए थे, वहाँ पर भारत सीरीज में जीती है, उसमें महाराष्ट्र के 6 लड़के वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बेजनबाग के ग्राउंड में दोहराना चाहेंगे। और मैं लोगों से विनती करूँगा कि आप एबल पर्सन और डिसेबल्ड पर्सन को न आंकते हुए हमारा मैच देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए।